हमारे वजीर आला को अगवा और गिरफ्तार किया गया, ये पूरे सूबे की तौहीन है। असद कैसर ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि हुकूमत सिर्फ जोर और दबाव के जरिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर आपका ख्याल है कि यह हमला हुआ और बस खत्म हो जाएगा तो ये गलत फहमी है। इस मामले पर केपी असेंबली इजलास बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आला को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, ये पूरे सूबे की तौहीन है। फौरी तौर पर अली अमीन को छोड़ा जाए। अली अमीन के पास इख्तियार होगा कि वो अपने फैसले कैसे करते हैं। हम जुर्रत और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करेंगे। असद कैसर का कहना था कि हम पुरअमन लोग हैं और किसी तौर पर भी अपने हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। हम अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे।